कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पोलिंग बूथ पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। पोलिंग बूथ पर हंगामे से सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस फोर्स ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मामला शांत करवाया। करिश्मा ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करिश्मा ने कहा कि भाजपा के लोगों ने महिलाओं को नोचा, मारा पीटा और बदतमीजी भी की है। भाजपा बौखला गई है। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प शुरू हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन को खराब बताते हुए जबरन घुस गई। वहां पर मौजूदा भाजपाइयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ता गया। बताते चले कि पूरा मामला मसवानपुर इलाके का है। यहां सूर्य नारायण स्कूल के पास बूथ नंबर 9, 10, 11 में कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। वह बूथ जायजा ले रही थी, तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और देखते देखते मामला तूर पकड़ता चला गया। इस दौरान बूथ पर मौजूद दरोगा से भी करिश्मा ठाकुर की झड़प हो गई। मैम, अभी जो एक बूथ पर कोई मामला हुआ था जो कि आपके और भाजपा प्रत्याशियों के बीच में हल्की सी झड़प हुई थी, क्या था पूरा मामला? देखिए, एक दायरा होता है, एक सीमित रेखा होती है जहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर सकते बूथ के बाद, लेकिन भाजपा के लोग झंडे लेके टोपी लगा के गले में मफलर पहन के प्रयास कर रहे थे। इसके लिए मैंने डीएम से बात करी और एसओ साहब भी मौके पर पहुँचे। अच्छा, सीओ साहब जो मौके पर आए, उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं था? नहीं, उन्होंने खुद ही अभी लोगों को यहाँ से भगाया है। और मुझे ऐसा लगता है सत्ता का शासन का प्रशासन का ये भाजपा सरकार जो इस्तेमाल कर रही है, इसको जनता वोट में अपना बदला जरूरी है। मैं श्री राम राई शुनट, त्रावड़ी विली चौपड़ी से रविंदर कुमार, मेरी तरफ से सभी त्रावड़ी वासियों और वह हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों व शहर वासियों को श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार पुनः श्री राम राई शुनट त्रावड़ी की ओर से फिर से शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट गांव चौपड़ी त्रावड़ी की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट त्रावड़ी महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा त्रावड़ी नगर के निवासियों को एक बार फिर से श्री राम ग्रुप की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तरावड़ी के मशहूर बासमती चावल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड की खुशबू बना दे आपको दीवाना। इस दिवाली अपनी रसोई में लाएं गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड चावल, जो दे आपको खुशी और सेहत का खजाना। असली बासमती केवल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड। चेयरमैन लाला साधुराम सिंगला, एमडी रविंदर सिंगला, निदेशक विजय सिंगला, भारत विकास परिषद त्रावड़ी के प्रधान संजय सिंगला, एक्सपोर्ट मैनेजर महेश सिंगला तथा एडवोकेट राकेश सिंगला आपको दीपावली की बधाई दे रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।